स्टूडेंट डे फोर का लेक्चर नंबर टू हम लोग ने अभी 2.2 पढ़ती है, हम लोग 2.3 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन तक का सिंप्लीफाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसलिए को सिंप्लीफाई करना है। 10 की पावर क्या है 3, फिर ब्रैकेट लगा हुआ, फिर पावर क्या है 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है बेटा। फर्स्ट होता है लॉ ऑफ पावर का, याद रखिएगा। पावर पावर क्या कहते हैं आपस में हम लोग मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर क्या लिखी हुई 2, तो 3 2 जा क्या आंसर आएगा 6। अगर अपने आपको 10 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 कर लें। अब आप लोग मल्टीप्लाई 10 10 100 100 10 1000 1000 10000 10000 10000 1 lakh और 1 lakh 10000 10 lakh। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए, अब सॉल्व करते हैं। क्या है 3 की पावर क्या लगी हुई 2, ओपर ब्रैकेट फिर बार पावर 2, फिर पावर और फिर पावर 2 लगी हुई। फिर वही लॉ सॉल्व करते हैं, पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो कर लो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 3 की पावर क्या आ गई 8। यानी अपने 3 को 8 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 करो मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81 81 3 ज़ा 243, फिर 3 ज़ा 729, फिर 3 ज़ा 2187 और फिर 3 ज़ा 6561। क्लियर है, आप लोग कर लीजिएगा मल्टीप्लस चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो बेटा, क्या लिखा हुआ है, -4 की पावर 4 डिवाइड बाय -4 की पावर 2। लॉ नंबर थर्ड क्या था कि जब बेस से मतलब पावर क्या करते हैं बेटा, उठा के ऊपर ले आके सेपरेट करते हैं, -4 की पावर 4 थी, नीचे पावर 2 ऊपर गई तो -2। सॉल्व कर लो तो -4 वैसे ही लिख रहा, आंसर क्या आ गया 2। यानी अपने 4 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, या नीचे कर ले रहा हूँ, करते हैं मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 ज़ा 16। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देख लो, क्या लिखा हुआ है, 8 a की पावर 3 b की पावर 5, नीचे 4 a b। अब यहाँ पर बेटा पहले क्या आ गए, कुछ नंबर्स आ गए, सॉल्व कर लो, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, क्या आंसर आ गया हमारे पास 2 a की पावर 3 b की पावर 5, और नीचे क्या बचिए खाली a और b। फिर वही थर्ड लो, दोनों की बेस से मतलब पावर क्या करेंगे बेटा, हक लेके सेपरेट करना है, करो 2 वैसे लिखा था 1 की पावर 3 थी, नीचे 1 की पावर क्या थी 1 थी, ऊपर गई तो -1, बी की पावर ऊपर क्या है 5, नीचे बी पावर क्या थी 1, ऊपर गई तो -1। सॉल्व कर लो, 2 वैसे लिख रहा 3 में से 1 गया तो 2 बचा, बी वैसे लिख रहा 5 में से 1 गया तो 4, हो गया सॉल्व आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बेटा, क्या लिखा हुआ है, m+n की पावर 7, फिर p+q की पावर 5 डिवाइडेड बाय फिर से m+n की पावर 6 और फिर p+q की पावर 2। सॉल्व करते हैं वही से थर्ड लॉ कि बेस से मतलब पावर करने से बेस सेम है, m+n दोनों सेम है, पावर क्यू के बेटा ऊपर ले आके सेपरेट करना है, कर लीजिए। सेकंड में दोनों p+q सेम है, दोनों की पावर सेम है, ऊपर ले क्या हो जाएगी बेटा माइनस हो जाएगी, कर लो माइनस, m+n वैसे लिख रहा 7 से 6 गए तो 1 1 हम लिखते नहीं है, p+q की पावर 5 में 2 गए तो क्या बचेगा 3, आ गया आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स, 5 सवाल मैंने करवाए, 5 मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू।